संपूर्ण भारत भर में घर घर तिरंगे की आन बान शान, राष्ट्र की पहचान। संपूर्ण भारत भर में तिरंगे की आज़ादी फहराएं, 75वें अमृत महोत्सव देश राष्ट्र को और मजबूत बनाए। पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपको ले चल रहा हूँ पर्यावरण, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है आज सुबह टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह टाइम्स दिन प्रतिदिन आप सभी को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को प्रदूषण से काफ़ी दूर रहना चाहिए और वहीं पर पर्यावरण को लेकर काफ़ी खास अंदाज में लोगों को यह जागरूकता भी फैलानी चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि पर्यावरण हम सभी के लिए कितना खास है, तो यह महत्व बन जाता है कि हम सभी को आए दिन सभी लोगों को पेड़ पौधे और इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हरियाली युक्त मौसम के साथ साथ लोगों को हरियाली के बारे में भी जागरूकता हम सबके लिए जीवन में कितना फ़ायदा है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हम सभी के जीवन के रक्षक हैं और पानी हमारे जीवन के रक्षक हैं। कितनी महत्व बन जाती है जब हम सब पानी और जलवायु के बारे में और हवाओं के बारे में सुंदर बातें करते हैं। खास एक रिपोर्टिंग देखिए। पर्यावरण की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पर्यावरण हम सभी जीवन में कितना बड़ा रक्षक बनकर उभरी है और इसे देखते हुए हम सभी को अपने आसपास घर के आसपास पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने की ज़रूरत। जितना हरियाली उत्तना जीवन की उमंग और सो हमेशा आप निरोगी रहेंगे, स्वास्थ्य रहेंगे और आपके अंदर हमेशा जो है हेल्थी होने का संकल्प जीवन के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो हम सभी को पर्यावरण के बारे में खास ध्यान इस बात का रखना है कि जो प्रदूषण है उसे देखते हुए हम सभी को जागरूकता के बारे में आगे बढ़ना है। और जैसे कि जहरीली पेड़ पौधे, पॉलीथीन या किसान भाई पराली या आप सीजन में जलाते हैं, ये हम सभी को हानिकारक पहुंचाती है। तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है पर्यावरण को लेकर खास ध्यान रख रही है और यह पेड़ पौधे 15 अगस्त तक लगाने के लिए लाखों लाखों के संख्या में यह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हरियाली युक्त बनाने के लिए भारत सरकार हमेशा हर राज्यों को यह अपील करता रहा है कि अपने अपने राज्यों में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। हम सभी को स्वास्थ्य जीवन के साथ आगे बढ़ना है, तो आज हमें निरोगी के साथ साथ पर्यावरण के बारे में ही सोचना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा हवा यदि मिले तो कितना सुंदर आदमी को लगता है, वहीं पर यदि गर्म हवा लगे और धूप तेज हो तो लोग जो है इसे नकारना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम सभी को जागरूकता लेकर जितना अच्छा स्वस्थ हवा चलेगा, ठंडी हवा जिस तरह से आप देखते हैं पहाड़ों पे हरा चलती रहती है, उसी तरह से हम सभी को ठंड हवा के साथ साथ सुहानी सफ़र के साथ साथ लोगों को चलना चाहिए। नई दिशा नई उमंग का एक आधार बनकर हम सभी को उभरना चाहिए जीवन में स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर, और हम सभी जो है हेल्थी होने का एक अलग प्रमाण देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर हम सभी लोग जितना सजग और सुंदरता की बात करते हैं उतना ही हम खास हरियाली की भी बातें करनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को लेकर हम सभी का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी लोग पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी पेड़ पौधे यदि लगाते हैं स्वास्थ्य जीवन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानना हम सभी को बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाएं। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।